तो सभी फ्रेंड्स को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मेरा नाम नीता भुजवानी है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। पिछले 7 साल से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ और लास्ट 4 साल पहले मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी इस मूवमेंट से जुड़ी। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन कल्ट नॉन प्रॉफिट है। इसमें सभी धर्म के लोग आ सकते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम कुछ भी पैसा कमाना नहीं है। हमारा काम है लोगों को शाकाहारी बनाना, लोगों को ध्यानी बनाना, लोगों को आत्मज्ञान बताना और लोगों को पिरामिड एनर्जी से अवगत कराना। पिरामिड एनर्जी क्या है आगे चल के हम जानेंगे। अभी फिलहाल जो हम आपको चर्चा करने वाले हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान वो विधि है जिसके द्वारा आप अपने मन के मन में जो विचार हैं उनको खाली करते हैं। एक आदमी में एक दिन में 60 से 70 हज़ार विचार डेली आते हैं। कुछ अच्छे विचार होते हैं जो वर्थ करते हैं, हमें सोचना भी बहुत ज़रूरी है अपने जीवन को आगे करने के लिए, पर 80% थॉट हमारे नेगेटिव और फालतू व्यर्थ के विचार रहते हैं। उसी के कारण आज की दुनिया में बहुत स्ट्रेस होते जा रहा है। पहले जब ध्यान के बारे में कहा जाता था तो वो ऋषि मुनियों का काम था जिन्हें मोक्ष प्राप्त करना था, पर आज स्ट्रेसफुल लाइफ में इतने तनाव के साथ स्वस्थ रहना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट आपको फ्री में मिलती है आपके घर बैठे हुए केवल और केवल ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा हम केवल अपने मन के विचारों को ही नहीं खाली करते बल्कि अपने आप को हीलिंग भी करते हैं। हम सभी के अंदर अपना खुद का एक डॉक्टर है जो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, पर हमारे स्कूल में कॉलेजेस में ये कभी नहीं पढ़ाया गया। पूरी दुनिया की एनर्जी के बारे में हमें मालूम चला कि थर्मल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, हमारे अंदर क्या एनर्जी है कभी किसी बुक्स ने नहीं बताया। और यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की विडंबना है। तो ध्यान जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको अपनी एनर्जी बढ़ाने का अवसर मिलेगा, आपको अपने आप को पहचानने का मौका मिलेगा। बहुत आसान तो मैं नहीं कहूंगी कि ध्यान करना होता है, क्योंकि अपने साथ बैठना इस दुनिया में टफेस्ट जॉब है। हम जब तक के संसार में रहते हैं हमारे लिए बहुत इजी रहता है टीवी देखना, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स लोग के साथ टाइम पास करना, पर अपने साथ बैठना इस दुनिया का सबसे कठिन काम माना जाता है। पर फ्रेंड्स यकीन मानिए, जिस दिन अपने साथ बैठना सीख जाएंगे उस दिन सबसे ज्यादा इंजॉय उसी को ही करेंगे। अगर मुझे कहा जाए कि इस 24 घंटे में तुम्हारा बेस्ट टाइम कौन सा है, या मेरे हस्बैंड से पूछा जाए, तो हम कहेंगे वो रात के 2 से 3 घंटे जब हम सिर्फ अपने आप में लीन होते हैं। इतना अच्छा अमृत होता है अपने आप के साथ बैठना, पर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो ध्यान से आपको फिजिकल हेल्थ भी मिलती है, आपकी मेंटली आप स्ट्रांग होते हैं और इमोशनली भी आप स्ट्रांग होते हैं। छोटी छोटी बातों पे जो हमको आजकल डर है या मरने से डर लगता है, ये सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मैं जब तक के ध्यान में नहीं आई थी तब तक के अपने मौत से सबसे ज़्यादा डरती थी कि मैं मर जाऊँगी तो मेरी फैमिली का क्या होगा, पर अब तो लगता है जिस दिन जाना होगा वो तो मेरा ग्रेजुएशन का डे है, मैं तो बहुत खुशी खुशी जाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ी मरूंगी। ये इस बॉडी जिस नीता को मैं रह रही हूं सिर्फ उसको छोड़ के जाऊंगी। क्योंकि ध्यान के पहले मैंने गीता और महाभारत, रामायण ये सब काफी कुछ पढ़ा और मैं ये सोचती थी कि नीता तो मैं हूं, मैं नीता हूं और मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, और शायद मेरे बॉडी में कहीं पे एक आत्मा रहती है जो कहते हैं ना आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, तो जिस दिन मैं मर जाऊंगी तो मेरी आत्मा चली जाएगी ऊपर और वो अमर है भाई, पर मैं तो नहीं हूं, मैं तो मरूंगी। इसीलिए मौत से डर लगता है क्योंकि हम सभी लोग अपने आप को बॉडी से इतना आइडेंटिफाइड कर लेते हैं कि अपने को बॉडी ही समझते हैं। तो मरने से मुझे भी डर लगता था,
पर जैसे जैसे मैं ध्यान करती गई, बहुत एक्सपीरियंस आपको आगे चल के मैं बताऊंगी, 15 दिन के अंदर मुझे मालूम चल गया कि मैं बॉडी हूं ही नहीं। 3 महीने के अंदर मालूम चल गया कि मैं माइंड भी नहीं हूं। माइंड मेरा जरूर है पर मैं माइंड नहीं हूं। और बहुत जल्दी मालूम चला कि मैं इन दोनों के बियॉन्ड हूं। तो जब मैं जो चीज हूं वो तो एटर्नल है, वो तो मरेगी नहीं। तो जिस दिन नीता भोजवानी की डेथ होगी, उस दिन नीता भोजवानी की बॉडी हमेशा के लिए डिके होगी, पर मैं फिर अपनी एक अलग यात्रा पे चली जाऊंगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर एक व्हीकल के रूप में नीता भोजवानी को ऑक्यूपाइड करके रखी हूँ। ये सभी लोगों के साथ है। हम सभी को जानना है कि क्या हम शरीर हैं, क्या हम मन हैं, या हम इन दोनों के पार एक आत्मा है। हमारे अंदर आत्मा नहीं है, हम ही आत्मा है जो इस शरीर पर किराए के रूप में रहता है। पर किराएदार सोचता है कि मैं ही मकान हूँ, है ना। तो चलिए, ये तो ध्यान के बारे में मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताया। और मैंने 3 बीमारियाँ इससे ठीक करी, डायबिटीज, नर्व कंप्रेशन और एक्जिमा। ये 3 बीमारियों को ठीक करने के बाद मेरे में और भी बदलाव आया। मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गई। पहले नहीं था, छोटी छोटी बातों पे रो लेती थी, जरा सा कोई बोला नहीं और रोने लग जाती थी। अब नहीं रोना आता, क्योंकि अब बहुत से चेंजेस हमारी मेंटली और इमोशनली हो जाते हैं। इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग हुई, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, किसी चीज का डर नहीं है अब। तो जब मैं इतना सब कुछ पा ली और ओशो को मैंने बहुत सुन लिया, तब मेरी लाइफ में मेरे प्यारे बिलविद, मेरे गुरु पत्री जी मेरी लाइफ में एंटर हुए। वो मुझे पिरामिड लेके गए बैंगलोर के और हैदराबाद के, और वहाँ पर मैं 9 दिन वहाँ पे मैंने मेडिटेशन किया। और वहाँ से जब मैं लौट रही थी तो मेरे गुरु ने, जो अपने को गुरु कहलाना पसंद नहीं करते, और हम आपको बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करेंगे कि आप उनको गुरु मानिए, बिल्कुल भी नहीं। आपके जो गुरु हैं, आपके जो ईष्ट हैं, आप उन्हीं को मानिए। आप जो भी पूजा करते हैं बिल्कुल उनकी पूजा करिए, पर हम उनको अपने प्यार से गुरु कहते हैं। तो वो हमारे पत्री सर ने कहा, जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के फाउंडर हैं, वो हैदराबाद में रहते हैं और बैंगलोर हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा कि नीता जाओ और अपने समृद्ध को लोगों को बांटो, फ्री में सिखाना है और सभी को वेजिटेरियनिज्म के लिए प्रेरित करना है। तो पिछले 4 सालों से मेरा यही काम है कि मैं लोगों को मेडिटेशन सिखाऊं। और इन 4 सालों में मैं जितनी ब्लिसफुल लाइफ जी रही हूँ वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आते या डिफ़िकल्टीज नहीं आती या मेरे सब चीज़ें स्मूथ चलती हैं मेरी लाइफ में। बहुत अप्स एंड डाउन भी आते हैं, पर ये है कि जहाँ अप्स एंड डाउन आते थे तब 7 साल पहले, और मैं घबरा जाती थी और रोने लग जाती थी, वो नारियल लेके मंदिरों में दौड़ती थी, एस्ट्रोलॉजर के पास जाती थी, ब्ला ब्ला ब्ला, समझ जाइए। अब नहीं, अब सिर्फ मेडिटेशन करती हूँ। 2 से 3 दिन के अंदर मेरे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होता है, बिना किसी और का सहारा लिए। तो ये है पावर ऑफ मेडिटेशन। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही है। आपकी इनर वॉइस ही आपको हर सॉल्यूशन बताएगी, पर उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो हम जो ध्यान सिखाते हैं उसका नाम है अनापानसति ध्यान। जो हम सांस छोड़ते हैं उसे पाली भाषा में आना कहते हैं, और अपान अर्थात जो हम सांस छोड़ते हैं, आना मतलब आती हुई श्वास, अपान मतलब छोड़ती हुई श्वास, और सती का अर्थ होता है जुड़ जाना। तो पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने इसका नाम दिया था, क्योंकि उस समय भगवान बुद्ध पाली भाषा बोलते थे। 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने मानव जाति को ये अनापानसति ध्यान प्रदान की थी, और ये आज हर एक के लिए अनिवार्यता है अगर वो स्वस्थ और खुशी जीवन चाहता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, स्वस्थ रहें, और जो भी चीज आप चाहते हैं
वो आपको मिले तो आप ध्यान से जुड़िए। अपनी उम्र के बराबर अगर आप बैठेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आपको फिजिकल या कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो अपनी उम्र से दुगुने से तिगुना बैठना पड़ता है। हो सकता है कि शुरू में आप लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट लगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शुरू में आप 30 मिनट से शुरू करिए, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, धीरे धीरे आप बढ़ाते हुए अपनी उम्र के बराबर बढ़ा दीजिए। क्योंकि जो 50-60s हैं उनको तो बहुत घबराहट होती कि एक साथ एक बार में 50 मिनट कैसे बैठे, पर यदि आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो 2 घंटा भी बैठने पर आपको लगेगा कि आप अभी कुछ ही देर पहले बैठे थे। ये मेरा खुद का नहीं, पूरी दुनिया का अनुभव है। तो फ्रेंड्स, कल मैंने इसकी विधि के बारे में पूरा बताया था, आज फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे रही हूँ। हम अपने हाथों की उंगलियों से 10% एनर्जी बाहर फेंकते हैं और पैरों की उंगलियों से 10%, 80% हम अपनी आंखों से बाहर थ्रो करते हैं। तो आप सोचिए, जो सारा दिन आप आंख खोल के बाहर देखते हैं संसार को या टीवी देखते हैं, तो कितनी एनर्जी आप वेस्ट करते हैं। और एनर्जी क्या है, अगर आपसे मैं पूछूंगी कि एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो कोई कहेगा फूड से, कोई कहेगा वाटर से, कोई कहेगा सनलाइट से, कोई ब्रेथ से कहेगा, बहुत सारी एनर्जी के आप नाम गिना देंगे। ये सभी हमारे पास एनर्जी के रूप में आती हैं, पर सबसे मेन एनर्जी जो हम कॉस्मिक एनर्जी जिसकी बात कर रहे हैं, वो हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ नींद के समय। नींद इसलिए जरूरी नहीं है कि आप थक जाते हैं और आप बिस्तर पे 6 घंटा सो जाते हैं। नींद हमारी प्रकृति के द्वारा दिया गया सर्वोत्तम गिफ्ट है। अगर किसी इंसान को 8-10 दिन नहीं सोने दिया जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। उसका कारण क्या है, उसको खाना बराबर दिया जाए, पानी दिया जाए, सनलाइट में बैठाया जाए, पर सोने नहीं दिया जाए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब नींद होती है तब हम अपने इस ब्रह्मरंध से एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत रिसर्च किया, क्योंकि साइंस अब बहुत स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रिसर्च कर रहा है, कि यदि कोई व्यक्ति 6-7 घंटा भी सो रहा है तो उसमें मैक्सिमम 10-15 मिनट, ध्यान से सुनिएगा, 7 घंटे की नींद में आप केवल और केवल 10-15 मिनट वो कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं। नींद के दौरान जो डीप स्लीप बोलते हैं, उस समय हम मैक्सिमम टाइम लेते हैं, मैक्सिमम एनर्जी ले लेते हैं, और वो जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे सोल में जाती है, सोल मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, और उसके जो बियॉन्ड हमारी सोल है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारा बोध है, जिससे हम महसूस कर रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं कि नीता क्या बोल रही है, ये जो आपको अंदर में अनुभूति हो रही है सुनने की, समझने की, देखने की, वो जो कॉन्शियसनेस है वो हमारी सोल है। तो वो सोल अपनी एनर्जी लेती है नींद के समय। जैसे हमारे लिए फूड जरूरी है, खाना शरीर के लिए, वैसे ही हमारे सोल के लिए मेडिटेशन और नींद जरूरी है। तो सिर्फ आपने दिन भर में 10-15 मिनट रात के टाइम में एनर्जी ले ली, और दिन भर आप आंख खोल के संसार को देखते हुए वो एनर्जी को वेस्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी वेस्ट होती है हमारे थॉट से। अभी आज एनर्जी मैनेजमेंट का ही टॉपिक है तो आप और जानेंगे। तो हमारी एनर्जी डिप्लीट होते जाती है और धीरे धीरे हम समय के पहले ही बहुत सारी फिजिकल इलनेस लेके बैठ जाते हैं। पहले जमाने में कैंसर्स और काफ़ी जो दूसरी बीमारियां हैं वो सब नहीं होती थी, और आफ्टर 40 लोगों को डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी, पर अब बहुत जल्दी होने लग गई हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि 95% बीमारियां आपकी साइकोसोमेटिक हैं, साइको अर्थात शरीर, और साइको अर्थात मन, और सोमेटिक मतलब आपका शरीर। तो जितनी भी बीमारियां हैं वो आपके
मन से रिलेटेड है। तो जितना आप सोचते जाएंगे, जितने आप कोई चीजों को पकड़ के रखते जाएंगे अपने मेमोरीज में, वो इलनेस के रूप में आती जाएंगे। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने से यहाँ पर जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, जो कल मैंने वीडियो दिखाया था, आज मैं फिर से शेयर कर दूंगी ग्रुप में, नॉट सेशन में। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप पहचानेंगे कि यहाँ से हमारी एनर्जी पूरी अंदर की तरफ जाती है। हो सकता है कि कई लोगों को ये बहुत ही फेक लगे कि ऐसा कैसे होता है। तो एक कहावत है, बहुत अच्छी टीवी में आती थी, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। आप खुद मेडिटेशन करके देखिए, आप उस एनर्जी को फील करेंगे यहाँ से अपने अंदर जाते हुए। हम जो इतने सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, हम तो एनर्जी की वेवलेंथ से लेके उसकी डायरेक्शन को भी हम महसूस करते हैं। तो ये एनर्जी जो हम मेडिटेशन से लेते हैं, वो हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है जब हम हाथों की उंगलियों को फंसा लेते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेते हैं और सुखासन में बैठ के आंखों को बंद करके अपनी आती और जाती श्वास के साथ एक हो जाते हैं। अगर आपको शुरू में तकलीफ होती है कि श्वासों पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, तो शुरू के 2-3 दिन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बार बार यहां पर उंगली ला सकते हैं। जैसे आपका मन भटक गया, मान लीजिए लखनऊ चला गया, तो आप फिर से उसको पकड़ के लाइए और यहाँ पर उस सांस को फील करिए। उंगली से आपको फील होगा सांस का बाहर छूटना, सांस का अंदर जाना, है ना, वो गर्म महसूस होगा आपको। फिर आप उंगली को हटा के फिर अपना क्रॉस करके बैठ जाइए। ऐसे 1-2 दिन में ही आपका कॉन्शियसनेस इतना सजग हो जाएगा, इतना अलर्ट हो जाएगा कि आप सिर्फ मन को ऑर्डर देंगे और आपका मन आपके नॉस्ट्रिल के पास आ जाएगा। हो सकता है आप लोगों को लगे कि सिर्फ आंखों को बंद करके ऐसे क्रॉस करके बैठने से और ऑब्जर्व करने से कैसे तबीयत ठीक हो सकती है, कैसे मेंटली हम बहुत ही फिट हो सकते हैं, इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं। तो इसके पीछे पूरा साइंस है। जैसे जैसे हम सेशंस में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको हर चीज समझ में आते जाएगी और हम बिना साइंटिफिक प्रूफ दिए, आपको बिना बोले, हम कुछ भी आपको मिथ्या की बातें नहीं बताएंगे। ये कोई वेद पुराण की बातें हम आपको नहीं सुना रहे हैं। सभी के कीमती समय हैं, आपके भी हमारे भी। हम आपको साइंटिफिकली प्रूफ चीजें ही बता रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स से लेके जो भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, हम आपको वीडियोज प्रोवाइड करा देंगे, आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे, सिर्फ इसलिए ताकि आप इम्पोर्टेंस पहचानिए मेडिटेशन के और अपने ऊपर मेडिटेशन करना शुरू करिए। ये हमारा स्वभाव है, पर हम भूल गए हैं। एक बच्चे को देखते हैं कितना खुश होता है। तो चलिए, अभी बहुत टाइम हो गया है, मैं पीपीटी शेयर करूंगी। पीपीटीज के द्वारा आपको मैं एनर्जी मैनेजमेंट तुरंत दिखाना चाहती हूँ। इससे आपको थोड़ा इजी पड़ेगा समझने में। बाकी आप सभी लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, मुझे मालूम है। काफ़ी लोग साइंस स्टूडेंट भी होंगे, उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तीन लॉज हैं एनर्जी के, कि कोई भी एनर्जी न बनाई जा सकती है, न डिस्ट्रॉय की जा सकती है। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है। इस अस्तित्व में जितनी भी एनर्जी है, उसका जो अमाउंट है उतना ही है, कभी भी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा लॉ है, एनर्जी डायनामिक है, उसको रोका नहीं जा सकता, वो गतिशील होती है। और जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया है, वो जो तीसरा नियम है, वो आप सभी लोग जानते हैं कि यदि हम खाना खाते हैं तो उसके एनर्जी के द्वारा ही हम अपने मैकेनिकल काम कर सकते हैं। हम अगर स्विच लगाते हैं, जैसे मैंने लैपटॉप में लगाया है, वो चार्ज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम लाइट एनर्जी में, अपने खाने से हम अपने मैकेनिकल एनर्जी में, ये सब चीज़ों से हम एक दूसरे को एनर्जी को कन्वर्ट कर पाते हैं।
और जैसा कि अभी मैंने कहा कि आप लोग देखते होंगे कि बच्चे बड़े खुश रहते हैं, उतने खुश हम यूथ या हमारी 50+ वाले में, मैं अभी भी अपने को यूथ ही कहूँगी, नहीं रहते हैं उतने। कंफ्यूज जरूर रहते हैं हम लोग, और आज की युवा पीढ़ी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है कि क्या करियर लें, कौन सा जॉब करें, जो भी है। तो ऐसा क्यों है कि बच्चे इतने खुश हैं, इतने एनर्जेटिक हैं, सारा दिन खेलने के बाद भी वो थकते नहीं हैं, और हम जो उनसे ज़्यादा अच्छे से खाना खाते हैं, है ना, हम तो ज़्यादा फूड लेते हैं उनसे, फिर हम इतने कंफ्यूज और थके हुए क्यों रहते हैं? तो उसका मेन रीज़न है कि जब एक एडल्ट सोचता है, जो भी हमारे पास एनर्जी है, हमारे सोल की एनर्जी है, वो हम सोचने में सबसे ज़्यादा गंवाते हैं। हमारे पास एनालिटिकल माइंड बहुत तेज है, हम सारा टाइम विचार करते रहते हैं, तो जो भी हमने रात को नींद में एनर्जी लिया था वो हमारी सबसे ज़्यादा खर्च हो जाती है थॉट्स में, हमारे माइंड में, और जो बची हुई रहती है एनर्जी वो हमारे बॉडी में पहुँचती है। इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी का डिप्लीशन हमारा माइंड करता है। माइंड हमारा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अब बच्चों में ये माइंड नहीं होता, यहाँ पर वो स्लाइड नहीं है, मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ। बच्चों की एनर्जी सोल से सीधा बॉडी में जाती है, इसीलिए वो ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा खुश रहते हैं। जब भी हम चिड़चिड़े महसूस करते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी कम होते जा रही है, ये सिम्टम है हमारे एनर्जी कम होने का। तो हम मेडिटेशन क्यों करें? जैसा कि मैंने कहा कि 60,000 से 70,000 विचार तक हर इंसान सोचते रहता है, चाहे या न चाहे, पर जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाते हैं तो थॉट्स की नंबर्स कम होते जाते हैं, उनका ट्रैफिक कम होते जाता है। और अब तो आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं कि यदि ब्रेन का जब स्कैनिंग किया जाता है बिफोर मेडिटेशन और सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने के बाद, तो ये पिक्चर्स आपको गूगल में या कोई भी साइंटिफिकली जो रिसर्च वाला वेबसाइट है उसमें मिल जाएगा। इसमें कितना फर्क है आप खुद देखिए, हमारी जो न्यूरॉन्स हैं जो थक जा रही हैं सोच सोच के, वो कितना रिलैक्स्ड हो जाती हैं। तो ये मेडिटेशन का प्रभाव है। जब हम इस पोजीशन में बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल जो पूरी तरफ से कॉस्मिक एनर्जी है वो हमारे भ्रमरण से होते हुए हमारे पूरे शरीर में जाती है, और जो ये हमारे दिख रहे हैं छोटे छोटे बॉल्स, ये हमारे थॉट्स हैं। तो फ्रेंड्स, हम सोच रहे हैं कि हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, तो एनर्जी कहाँ है? कहीं भी तो नहीं दिख रही हमको नेकेड आई से, तो है कहाँ एनर्जी? 1925 में क्वांटम फिजिक्स आया। आप जानते होंगे कि क्वांटम फिजिक्स ने पहली बार क्लेम किया कि इस दुनिया में कोई भी चीज मैटर नहीं है, हर चीज एनर्जी है। अगर ये टेबल है ये भी एनर्जी है, अगर मेरी ये सॉलिड बॉडी दिख रही है ये भी एनर्जी है, कुछ 0.001% मैटर रहता है हमारा, और बाकी हम टोटली एनर्जी के बने हैं। टेबल भी देखा जाए तो पूरी एनर्जी, एक पेड़, एक पहाड़, पत्थर भी अगर उसको तोड़ते जाएं तो वो जाके सिर्फ एनर्जी का फॉर्म ही दिखाएगा। तो क्वांटम फिजिक्स ने कहा कि कोई भी चीज मैटर नहीं है, हर चीज एनर्जी है। तो ये जो खाली जगह दिख रही है जिसको हम शून्य कहेंगे या आकाश तत्व कहेंगे हम, इसको तो हमको लगेगा कि ये खाली है, पर ये भी खाली नहीं है। बहुत से रिसर्च हुए हैं, मैं कुछ वीडियोस भी प्रोवाइड करा दूंगी, जो साइंस स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं कि ये जो खाली जगह दिख रही है वहाँ पर जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के फोटोज आपने देखे होंगे जो साइंस पढ़े होंगे, बिल्कुल न्यूरॉन्स के भांति ही यहाँ पर भी एनर्जी की वेव्स हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में एक भी जगह ऐसी नहीं है जिसे शून्य कहा जा सके, हर जगह एनर्जी है।
पर वो वेव्स के रूप में है और इसको हम नहीं देख सकते, पर जो हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं वो इनके फोटोज खींच के बकायदा गूगल में और रिसर्च वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी हर जगह एनर्जी है। अब आप सोचिए, जब आप रेडियो चालू करते हैं तो तुरंत आप विविध भारती रायपुर का स्टेशन, बिलासपुर का स्टेशन लगा लेते हैं, हमको तो रेडियो वेव्स नहीं दिख रही हैं, पर वो हैं। तभी तो रेडियो ने कैच किया और उसको ट्यून करके आपको आपके मनपसंद का प्रोग्राम दिखा दिया। तो जिस तरह रेडियो वेव्स हैं, उसी तरह हर जगह कॉस्मिक एनर्जी है और वही हमारे सोल की एनर्जी है। खाना, पानी, सनलाइट, ये सब भी हमारी एनर्जी का पार्ट है, पर मेन है कॉस्मिक एनर्जी। तो नींद हमारे लिए गिफ्ट है और हर एक को सोना चाहिए 6 से 7 घंटे। पर ये भी रिसर्च में देखा गया है कि यदि कोई इंसान 1 घंटा ध्यान करता है, 1 आवर मेडिटेशन करता है, तो वो 3 घंटा जो सोने के समय एनर्जी ले रहा है उसके बराबर वो गेन करता है एनर्जी। क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉन्शियसली बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं, तब आप सबसे ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को टैप करते हैं। तो फिर मैं कुछ PPTs दिखाऊंगी। आज एनर्जी मैनेजमेंट मैं चाहती तो हूँ ख़त्म कर दूँ, अब देखती हूँ मैं कितनी जल्दी कर पाती हूँ। हर चीज एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है। अब हम सबके पास 2 मन हैं। एक हमारा मन होता है कॉन्शियस माइंड, जिसको हम चेतन मन कहते हैं, और एक हमारा मन होता है सब कॉन्शियस माइंड, जिसको अचेतन मन कहते हैं। आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो जैसे हिम ग्लेशियर को अपन देखते हैं, आइसबर्ग्स को, टाइटैनिक पर सभी लोगों ने देखा होगा, है ना, जहाज टकरा जाता है टाइटैनिक वाला। तो क्या होता है, ग्लेशियर समुद्र के ऊपर तैरते रहता है, थोड़ा सा पोर्शन ऊपर का नीचे ऊपर दिखता है, और नीचे सबसे ज्यादा वो सी के नीचे रहता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही ग्लेशियर की भांति ही हमारा चेतन मन बहुत थोड़ा सा रहता है, 1/10, 1/10 हिस्सा हमारे पूरे मन का, और 9/10 हिस्सा, मतलब 9/10 पोर्शन हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है। जो भी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आप आंख खुली से जो भी चीजें कर रहे हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। आप अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। पर जो भी मैं कह रही हूं और आप देख रहे हैं, वो सब चीजें सब कॉन्शियस माइंड स्टोर करते जा रहा है। ये पिक्चर भी आपका सब कॉन्शियस माइंड अपनी मेमोरी में सेव कर रहा है। तो सब कॉन्शियस माइंड हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माइंड रहता है। हम एक व्यक्ति जरूर दिखते हैं, पर हमारे पूरे शरीर में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, 50 ट्रिलियन सेल्स। हमको लगता है कि हम तो एक हैं, कहीं कहीं पे वेन्स वगैरह दिखती हैं, आर्टरीज दिखती हैं, दैट्स ऑल। पर जो साइंटिफिकली रिसर्च है वो कहते हैं कि हर सेल अपने आप में एक यूनिट है, हर सेल के पास एक मेमोरी है, और उसकी मेमोरी उसके मेम्ब्रेन में है। सेल की मेम्ब्रेन होती है, जो साइंस स्टूडेंट होंगे वो जानेंगे कि सेल के बाहर एक चारों तरफ एक आवरण होता है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल का ब्रेन, वो हमारी हर सेल एक एक जानकारी को, एक एक चीजों को बकायदा रिकॉर्ड करके रखता है। तो ये 50 ट्रिलियन सेल्स हमारे लिए काम कर रही हैं। हम जो भी एनर्जी ले रहे हैं, चाहे फूड से, चाहे कॉस्मिक एनर्जी से, चाहे पानी से, हम कहाँ कहाँ उसको खर्च करते हैं। सबसे पहली चीज, जब हम बोलते हैं तो सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। कहा जाता है मौन सबसे अच्छा उत्तम साधन है अपने एनर्जी को बचाने का। हो सकता है कोई ये भी कहे कि नीता जी फिर आप इतना क्यों बोल रही हैं, तो मैं इसलिए बोल रही हूं ताकि आप लोग समझ सकें, है ना।
तो एनर्जी हम सबसे ज़्यादा वर्ड्स के द्वारा वेस्ट करते हैं। अगर आप दिन भर में नोट करेंगे तो आप खुद भी जानेंगे कि हम सबसे ज़्यादा कितनी वर्ड्स की बातें करते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बोलते हैं हम लोगों को। अगर कोई गेस्ट भी आ गया तो हमको तो बात करना ज़रूरी है, नहीं तो गेस्ट सोचेगा कि उसको बुरा लग रहा, हमको बुरा लग रहा है। तो हम बेवजह भी बात करते हैं, और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसको तो फ़ोन में बात करके तो वर्ड्स के द्वारा एनर्जी को तो वेस्ट करना हमारी फेवरेट हॉबी है, है ना, गॉसिपिंग। तो एनर्जी हम वर्ड्स के द्वारा वेस्ट कर रहे हैं और थॉट्स के द्वारा। अगर आप किसी के लिए सोच रहे हैं तब भी आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और यदि कुछ भी किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही सोच रहे हैं, पास्ट या फ्यूचर किसी और के लिए नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, आप अच्छे लिए ही सोच रहे हैं कि अरे मैं अपनी लाइफ में ये कर लूँगा, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, तब भी आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। थॉट सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने का साधन है, तो बहुत सोच समझ के खर्च करिएगा। हम जब भी इमोशन का अर्थ होता है हमारी भावनाएं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी एकदम प्रेम से भर जाते हैं, कभी बहुत गुस्से में होते हैं, कभी किसी से नफरत करते हैं, किसी से जलन करते हैं, ईर्ष्या, जो भी हमारे इमोशन हैं उनके द्वारा भी हम एनर्जी को वेस्ट करते हैं। और जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं उसको भी आप अपने इमोशन और अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे, पर अभी चूंकि मैं एनर्जी मैनेजमेंट के लिए बता रही हूँ तो आप लोगों को बता रही हूँ कि आप अपनी एनर्जी वर्ड्स, थॉट्स और इमोशन के द्वारा वेस्ट करते हैं। अब हमारी सोचने की थिंकिंग जो पैटर्न होता है सभी का अलग अलग होता है, और कुछ हद तक के मेजॉरिटी सभी की सेम होती है। तो चार टाइप की थिंकिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो आप लोगों को मालूम ही है, सभी प्रबुद्ध लोग हैं, फिर भी एक एग्जांपल के दौरान मैं चारों को एग्जांपल के द्वारा बताऊंगी। पॉजिटिव, नेगेटिव, डिसास्टर्स और मिरेकुलस। मान लो मैंने एक कार खरीदी और मुझे यहाँ से मरीन ड्राइव तक के ड्राइव करके जाना है, मेरे पास चार ऑप्शन रहेंगे उस चीज को सोचने के लिए। पहला मेरा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी कि ठीक है मैं कार लेके जा रही हूँ, बढ़िया, मैं मरीन ड्राइव में पहली बार लेके जा रही हूँ ना, न्यू कार है मेरी, पहली बार जा रही हूँ और मैं ड्राइव करके मरीन ड्राइव से आधे घंटे में आ जाऊंगी। मैं जाती हूँ, मैं आधे घंटे में घूम के भी आ जाती हूँ। तो ये मेरा पॉजिटिव माइंड था और जो मैंने वो काम कर दिखाया, उसमें जो भी मैंने सोचा था उसमें मुझे सक्सेस मिल गई। फिर दूसरा ऑप्शन कि मैं सोचूंगी कि पहली बार कार लेके जा रही हूँ, कहीं चालान ठुक गया तो, कहीं मेरे कार में कहीं कोई स्क्रैच आ गया तो, क्योंकि रायपुर की ट्रैफिक तो बड़ी गंदी है, ये भी सोच सकती हूँ ना मैं। मैं डरते डरते कार उठाऊंगी, कार लेके मरीन ड्राइव तक के जाऊंगी और किसी न किसी से मेरी कार टकराएगी और उसमें स्क्रैच लग जाएगा। अगर स्क्रैच नहीं लगा तो कोई पुलिस वाला मेरे को चालान ठोक देगा। ये मेरी नेगेटिव थिंकिंग हुई जो मैंने खुद मैनिफेस्ट की, ये दो थिंकिंग हुई। तीसरी हुई कि मैं बहुत डरपोक हूँ, बहुत ज़्यादा मैं घबरा गई हूँ कि कार तो ले ली हूँ मैंने न्यू, पहली बार जा रही हूँ मैं मरीन ड्राइव, कहीं मेरा कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं किसी ने मेरी कार का पूरा डैमेज कर दिया तो, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, पर चलो मैं हिम्मत करके चलती हूँ। डर है मेरे मन में, वो डिसास्टर्स थिंकिंग मेरे दिमाग में चल रही है, पर मैं कार उठा के जा रही हूँ मरीन ड्राइव तक, और वाकई मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मेरी कार को कोई डैश कर देता है, मैं क्या कहूंगी कि भगवान को यही करना था, पहली बार मैं कार लेके गई हूं मरीन ड्राइव तक, एक दिन में को चलाने नहीं दिया भगवान ने, पर भगवान कहाँ आया, मैंने सोचा, मैंने मैनिफेस्ट किया उस एक्सीडेंट को, तो ये भगवान कहां से दोषी हुआ, ये मेरी डिसास्टर्स थिंकिंग थी। फिर यदि मैं
एक अच्छी मेडिटेटर हूँ और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो मैं ये भी नहीं सोचूंगी। मैं सोचूंगी कि अरे मुझे तो कार चलानी आती है, मैंने पहली बार कार लिया है, इतनी सुंदर कार है, मैं मरीन ड्राइव तक के जा रही हूँ, ऐसे तो मुझे आधा घंटा लगता है पर मैं 20 मिनट्स में ड्राइव करके आ जाऊंगी और बेहतरीन ड्राइव रहेगी, फर्स्ट ड्राइव है मेरी और मैं बहुत अच्छे से सेफली और बेहतरीन तरीके से ड्राइव करके आऊंगी। और मैं कार लेके निकलती हूँ और मजे से घूमकर 20 मिनट में अपने घर तक पहुंच जाती हूँ। और मेरे साथ यही होता है ना? तो अब आप बताइए, ये मिरेकुलस थिंकिंग मेरी थी या भगवान ने मुझे ब्लेसिंग दी? ये डिसास्ट्रस थिंकिंग मेरी थी या भगवान ने किया? तो ये जो भी हमारे थिंकिंग के पैटर्न हैं, वो चार तरीके से ही होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिसास्ट्रस या मिरेकुलस। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस थिंकिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। कल से आप अपने एक डायरी में एक चार्ट बनाइएगा कि आप दिन भर में कितने बार नेगेटिव थिंकिंग को फॉलो कर रहे थे। क्या होगा मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई आपकी टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी फ्रेंड हूँ। आप लोगों को सिर्फ अलर्ट करना चाह रही हूँ कि आप अपने आप को खुद इंट्रोस्पेक्शन करके देखिए कि दिन भर में आप कितनी बार नेगेटिव थिंकिंग में गिरते हैं और कितने बार मिरेकुलस थिंकिंग करते हैं। सबके पैटर्न अलग अलग हैं। हम सुनते तो सभी लोग हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव करो, पर फॉलो कितना कर पाते हैं? तो ये हमारी लाइफ का सवाल है कि हम अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव और उससे भी कहीं ज़्यादा मिरेकुलस थिंकिंग करें। हम अपनी लाइफ में मिरेकल्स को खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये कोई व्यर्थ की बातें मैं नहीं कह रही हूँ। इसके आगे का टॉपिक कि किस तरीके से हम मैनिफेस्टेशन करेंगे अपनी लाइफ में मिरेकल्स वगैरह को, मैं सोचती हूँ कि मैं कल उसको बताऊं, क्योंकि वो भी काफ़ी लंबा टॉपिक है। अगर मैं अभी बोलना शुरू करूंगी तो मुझे और 40 मिनट्स लग जाएगा। तो मैं यहीं पे ही एनर्जी मैनेजमेंट को ख़त्म कर रही हूं, सिर्फ आप लोगों को ये समझाने के लिए कि आपकी एनर्जी कहां कहां वेस्ट हो रही है। आप ऑब्जर्व करिए इसके क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से हम अपने माइंड को मैनेज करें, किस तरीके से हम अपने माइंड को फिर से रीप्रोग्रामिंग करें कि हम अपने लाइफ में मिरेकल्स और पॉजिटिव चीजों को ला सकें। तो थैंक यू वेरी मच। मैं इसके साथ ही इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि आज 10:30 बजे मुझे सेशन ख़त्म करना है। तो आप लोग जो भी नए लोग हैं या जिनको आज इस चीज़ में नहीं समझ में आया है, वो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और 15 मिनट के बाद हम सीधा मेडिटेशन में बैठेंगे। तो जिनको भी क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछ सकते हैं। आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है? नेहा क्या? हाय मैम। हाय आंटी। हाय। क्या समझ में आया? जी आंटी। चलो, नए लोगों से पूछने में डर लग रहा है। कोई भी नहीं है जो बता सके कि नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है आपके में? नहीं, मैंने ठीक है, कोई पत्री जी ने लिखा है कि यू एक्सप्लेन वेरी वेल, थैंक यू, पर फिर भी अगर कोई डाउट है या कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आज एक्सपीरियंसेस ऑफ मेडिटेशन भी दिखाना चाह रही थी आपको, पर उसमें टाइम लग जाएगा। मैं चाह रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म करें। तो मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत समझदार लोग हैं, किसी को कोई डाउट ही नहीं है। और होगा भी तो कल देखते हैं, आज क्या पूछेंगे।
राजेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस राजेश जी को डाउट है। यस सर। या मैम आप इतने अच्छे से बताए हैं तो कोई डाउट की सवाल ही नहीं आता है। थैंक यू। पर फिर भी कुछ तो होना चाहिए ना। आपने अभी ये चार न्यू थिंकिंग पैटर्न के बारे में समझा और इतना सब कुछ मैंने बोला, तो कुछ तो होना चाहिए डाउट। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं कोई डाउट नहीं। नथिंग नथिंग। तो चलिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स आप लोग अब डिसाइड करिए, क्या मैं एक्सपीरियंसेस ऑफ मेडिटेशन के पीपीटी शेयर करूं या हम सीधा मेडिटेशन में बैठ जाएं, जैसा आप लोग चाहें। और जिन लोग भी आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो प्लीज़ अपने फ़ोन नंबर्स चैट बॉक्स में लिख दीजिए और उनको हम ऐड कर देंगे। और जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है उनको हम आज फिर से एक लिंक शेयर करेंगे एक वीडियो का, जिस वीडियो को देख के मेरी लाइफ बदल गई थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ 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 उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हो सके अगर आपके बच्चे उसको टीवी में जोड़ के दिखाएं तो उसको टीवी में देखिए और पूरे 57 मिनट्स देखिए। ये ऐसी मूवी है जो आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस ला देगी। तो किन्नों ने देखी कल जो मैंने भेजा भी था लिंक, किसी ने देखा पूरा? देखा किसी ने? एक भी हैंड रेज करके मुझे बताया कि जिसने पूरे 57 मिनट्स देखे। प्रियंका तुमने देखा बेटा? और किसी ने नहीं देखा? राखी ने देखा। यस। और गुप्ता जी फैमिली बोले अपन तो आराम से देखेंगे संडे के बैठ के, है ना? चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है। मैंने कहा ना मैं आपकी टीचर नहीं हूं, मैं आपकी फ्रेंड हूं, आपको सिर्फ सजेस्ट करूंगी, बाकी करना न करना वो आपके ऊपर है। तो देखिए कितने आप लोग केयरलेस मत बनिए, आप उस वीडियो को पूरा देखिए। उस वीडियो में आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ जो होता है और जो ध्यान के मार्ग में आपको रास्ते में चीजें समझ में आएंगी वो सब कुछ उसमें है। बहुत प्यारी मूवी है, उसको टीवी में या लैपटॉप में आराम से बैठ के देखिए। आज फिर मैं आप लोग के साथ आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज प्लीज उस वीडियो को देखिए, उसमें एक भी बात फेक नहीं है, ठीक है? उम्मीद करती हूं कि आज आप लोग टाइम निकाल के या कल सवेरे टाइम निकाल के आप लोग जरूर देखेंगे। और मैंने मेडिटेशन का म्यूजिक भी लिंक शेयर किया था। किसी ने देखा? किसी ने मेडिटेशन किया कल रात को जो हमने किया था उसको छोड़ के? किया किसी ने? प्रियंका तुम पुराने हो, तुम हाथ मत उठाओ। हाँ निशांत जोशी ने, मनीषा तुम भी हाथ मत उठाओ। गुप्ता फैमिली एकदम खुश है, थोड़ा 20 मिनट कर लिया पन्ने, बहुत है यार, बहुत है, वेरी गुड। गुप्ता जी बहुत अच्छे जा रहे हैं। और तो बाकी लोग तो वीडियो भी खोलने की जहमत नहीं उठाते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं ऐसे तो कैसे लगेगा आप लोगों को? ऐसे ही मैं अगर पूरा सेशन लेते जाऊं आप लोगों को अच्छा लगेगा? रमन साहू ने कहा है 15 मिनट, गुड। मैं ऐसे ही सेशन लूं आप लोग के, क्योंकि मुझे देखने की तो कोई जरूरत भी नहीं है, आप लोग मुझे देख ही चुके हैं कौन है नीता बुजवानी, है ना? चलिए थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने वीडियो खोले, थैंक यू। हाय प्रिया जी, तो चलिए आप मेरा एक क्वेश्चन। हाँ बेटा। व्हाट इज ब्रह्मरंध
ब्रह्मरंध क्या होता है आंटी? आपके घर में, आपके घर में बेटा कभी छोटे बच्चे को आपने गोदी में उठाया है, जो न्यूली बॉर्न होते हैं, ध्यान दिया है आपने कभी? उनकी ना यहाँ हेड में ना बेटा एक छोटा सा गड्ढा टाइप का रहता है, जिनकी भी डिलीवरी हुई है, है ना, और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं न्यूली बॉर्न, तो आप ध्यान देना यहाँ पर एक गड्ढा रहता है छोटा सा, जिसको हम लोग कहते हैं कि बच्चे को वहां पे जोर से मालिश मत करिए, बहुत नाजुक भाग है, है ना, वो होता है ब्रह्मरंध। वो बच्चों में ओपन रहता है, पर जैसे जैसे हम सोचते जाते हैं, हमारा ईगो माइंड बढ़ते जाता है, वो रंध क्लोज हो जाता है। उसे ही ऋषि मुनियों ने दसवां द्वार कहा है, जिसको दशम द्वार कहते हैं ना पत्री सर, ये है हमारा दशम द्वार। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे, आपकी एनर्जी जब बढ़ेगी तो वो द्वार आपका खुल जाएगा। और ये वो वाला द्वार नहीं है जो आप किसी डॉक्टर के द्वारा पता लगाएं, क्योंकि हमारे जो चक्रास हैं और जो हमारा ये ब्रह्मरंध है, वो हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं है। बच्चे में सिर्फ दिखता है एक गड्ढा टाइप का। लेडीज आप लोगों को याद आ रहा है, न्यूली बॉर्न में अपन देखते हैं ना छोटे से, फिर जैसे बच्चा एक साल का होता है उसका स्कल कड़क हो जाता है तो वो गड्ढा छुप जाता है, है ना। पर वो ब्रह्मरंध होता है हमारे एथरिक बॉडी में, और जिस दिन वो खुलता है उस दिन आप डायरेक्ट कॉस्मोस से कनेक्ट हो जाते हैं। जिस दिन मेरा खुला था वो रात मुझे आज भी याद है, और वहां से जब एनर्जी आती है और जो वर्षा होती है, एक शावरिंग, पहले कभी वेव्स के रूप में आएगा, कभी बीम के रूप में आएगा, कभी वॉर्टेक्स के रूप में आएगा, बहुत बहुत आगे चल के आपको एक्सपीरियंस होंगे। मैंने कहा ना, मैं जितना भी कहूंगी तो हो सकता है आप लोगों को उसमें विश्वास ना आए। तो जैसे जैसे आप खुद करते जाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा द्वार है जहां से एनर्जी आ रही है, तो उसे कहते हैं ब्रह्मरंध, ठीक है। और निहारिका तुम बेटा प्रैक्टिस करते जाओ, वो अपने आप ओपन होगा, और जिस दिन ओपन होगा उस दिन तुमको पता चल जाएगा। ओके आंटी, थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? राखी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? राखी जी अनम्यूट करिए अपने को। नहीं मैम। तो मैं अभी आप लोगों को एक्सपीरियंसेस ऑफ मेडिटेशन के पीपीटीज दिखाऊं या सीधा हम मेडिटेशन करने बैठे हैं, आप लोग जल्दी से मुझे बताइए। टाइप कर सकते हैं आप? सिमरन कह रही है मेडिटेशन मेडिटेशन, वाह वेरी गुड, यस यस। तो थैंक यू पूर्णिमा। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, जब आप कर रहे हो ऐड करने के लिए आपका नाम भी डालिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने किसी और नाम से एंट्री की है, तो अगर आप नाम है तो भी अगर नाम डाले तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए इजी हो जाएगा। और अगर मान लो अभी डाल दिए तो देख लीजिए आप, खेम जी पहले ही रिमाइंड कराना था। मैंने इस पे भी डाला है, ठीक है, लोगों के है। मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। हाँ। तो फ्रेंड्स अभी हम 20 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे। एक्चुअली हमारा प्रोटोकॉल हमेशा पहले मेडिटेशन होता है, फिर उसके बाद हम कोई भी टॉपिक लेते हैं, पर चूंकि अभी आप लोग नए लोग हैं तो आप लोगों की जो प्यास है, जो सुनने की इच्छा है, उसको हम पहले पूरा करते हैं। तो एक हफ्ते तक के हम पहले सिर्फ सुनेंगे, मुझे या मेरे दूसरे टीम के मेंबर्स लोगों को, उसके बाद एक हफ्ते के बाद पहले हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जिसकी गारंटी है कि आपके किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया। और मुझे दुख होता है कि मुझे ये सब नॉलेज 47 ईयर्स में मिला, पर चलिए बेटर लेट देन नेवर, है ना। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग सभी, खेम जी म्यूट है ना सब लोग अभी? यस मैम।
तो मैं म्यूजिक प्ले कर दे रही हूँ, जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार ले। अगर आप जहाँ पे बैठ रहे हैं उसमें पीठ का सहारा लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, तकिए का सहारा या कुर्सी का सहारा, किसी भी तरीके से बैठिए, पर सुखासन होना चाहिए, सुख आसन। चश्मे उतार दें, एक मिनट आप आंख खोल के देख लीजिए कि जब भी हम एंड करते हैं मेडिटेशन का, कल मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि जब भी हम एंड करेंगे तो हम झटके से अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे, हम पहले दोनों उंगलियों को आपस में से निकाल के अपनी आंखों के ऊपर ले जाएंगे। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे हाथों में हाईली चार्ज हो जाते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी 100% एनर्जी तो हमारे अंदर घूम रही है। तो 20 मिनट्स अगर मेडिटेशन कर रहे हैं या आधा घंटा, तो आपकी एनर्जी से इतने चार्ज हो जाते हैं ये हाथ, तो आपको अपनी आंखों के ऊपर ले जाना है ताकि आपके आईज के थ्रू फिर से रिसाइकिल होए आपकी बॉडी में। फिर 5 सेकंड हम के गिनती के बाद जब हम उनको आपको बोलेंगे तो फिर धीरे धीरे अपने आंखों को खोलना है। जैसे म्यूजिक बंद हुआ मैं कहूंगी और एकदम आप तुरंत आंखों को बिल्कुल भी मत खोलिएगा, ठीक है? ये वाला प्रोसीजर आखिरी में रिसाइकिल वाला जरूर करते हैं। तो फ्रेंड्स सुखासन में बैठ जाइए, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए, पैरों को भी आपस में क्रॉस कर लीजिए। आंखों को बंद करके अपनी आती और जाती श्वास के साथ एक हो जाइए। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई ईष्ट नहीं, अभी ध्यान के समय आपका गुरु केवल आपकी श्वास है। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर। न विचारों के पीछे भागना है, न विचारों से लड़ना है। आपका पूरी जागरूकता आपकी अपनी सांसों पर होनी चाहिए। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, आपका ध्यान केवल सांसों पर ही रहना चाहिए। धीरे धीरे आपके विचार स्वतः ही कम होते जाएंगे। जब तक न कहा जाए अपनी आंखों को बिल्कुल भी नहीं खोलना है और आपकी पूरी एकाग्रता आपकी सांसों पर बनाए रखना है।
हम जो ये ध्यान कर रहे हैं इसे आनापान सति ध्यान कहते हैं। आना का अर्थ आती हुई श्वास, अपान का अर्थ जाती हुई श्वास, सती का अर्थ एक साथ जुड़ जाना। अपनी आती और जाती श्वास के साथ जुड़ जाने से ही हम अपनी आत्मा तक पहुंच पाते हैं, शरीर से आत्मा तक का सफर अपनी सांसों के साथ। न सांसों को जोर से खींचना है न लंबा छोड़ना है। जो भी आपकी सांसें सरल और स्वाभाविक रूप से चल रही हैं उन पे ही आपका ध्यान केंद्रित करना है। जब तक न कहा जाए अपनी आंखों को बिल्कुल भी नहीं खोलना है। आपका पूरा ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर रखना है। ध्यान का अर्थ है अपने आप को पहचानना, और ये तभी संभव है जब हम अपने मन को विचारों से खाली कर देंगे। धीरे धीरे नियमित अभ्यास से हमारे विचार कम होते चले जाएंगे और तब हम अपने आप को जान पाएंगे कि हम तन और मन के पार कुछ और हैं। जब तक न कहा जाए तब तक के आंखों को बिल्कुल भी नहीं खोलना है।
ध्यान के दौरान अगर आपको विचार बहुत तंग कर रहे हैं, तब भी आप उनकी तरफ बिना कोई ध्यान दिए हुए, उसमें कोई भी बिना रस लिए हुए अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही केंद्रित कर लीजिए। विचार स्वयं ही आए हैं और स्वतः ही चले जाएंगे। हम शरीर नहीं हैं, हम मन भी नहीं हैं, हम वो हैं जो इस शरीर में रहता है, सुनता है, बोलता है, अनुभव करता है। हम एक ईश्वरीय आत्मा हैं। शरीर से लेकर आत्मा तक का सफर हमें सांसों के द्वारा ही संभव है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही आत्मा का पोषण यह ध्यान है। ध्यान के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं और ज़्यादा स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। और ध्यान ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने कर्मों का प्रक्षालन भी करते हैं। आखिरी के 6 मिनट पूरा ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर, और इस दौरान शरीर में कोई भी हलचल हो तो उस पर ध्यान न देकर अपनी आँखों को बंद ही करने का प्रयास कीजिए।
हम सभी ईश्वरी मूल चेतना के अंश हैं, हम ईश्वर हैं, पर ईश्वर से भाग्यवान बनने की सफर केवल ध्यान के द्वारा ही संभव है। भगवान से भाग्यवान बनने का सफर ध्यान के द्वारा, और वह भी केवल अपने सांसों के साथ एक हो जाने के द्वारा, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। मन चंचल होता है, आपका काम केवल अपनी चेतना को पकड़कर अपनी नासा छिद्रों तक लेकर आना है। जैसे जैसे आप ध्यान अपना अपनी सांसों पर लगाएंगे, विचार धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। आखिरी के 3 मिनट पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। श्वास के द्वारा आप प्राण वायु भी अपने नासा छिद्रों से ले रहे हैं, जो पूरे दिन भर में आपके कामों में आपको मदद करती है। श्वास ही जीवन है और श्वास ही आपका गुरु है। आखिरी के 2 मिनट पूरा ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर। आखिरी का 1 मिनट ध्यान सांसों पर।
आखिरी के 20 सेकंड। आखिरी के 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर ले जाइए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस पूरे अस्तित्व और अपने गुरु, अपने इष्ट को आप धन्यवाद देते हुए अपनी हथेलियों को खोल सकते हैं और अपनी आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने लिए, ध्यान के लिए और हमारे प्यारे बिलवड गुरुजी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दो लोगों ने हैंड रेज करके रखा है, वो कुछ कहना चाहते हैं या कोई और अपने एक्सपीरियंस जिन्होंने फर्स्ट टाइम किए हैं मेडिटेशन, वो अगर बताना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं या अपना वीडियो ऑन करके सिर्फ थंब दिखा दीजिए। हाँ राखी जी, बोलिए। मैम नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम। 20 मिनट्स कम है मेडिटेशन के लिए। हमको किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है, है ना? जरूरी नहीं है कि रोज नीता आएगी तभी आप मेडिटेशन करेंगे। सिर्फ हमारी टीम आपको प्रैक्टिस करा दे रही है। 21 डेज में हम आपको इतना नॉलेज दे देंगे, इतनी प्यास जगा देंगे, अगर आप में है प्यास तो, है ना, कि आप खुद ही करने लग जाएंगे। फिर किसी नीता, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। और अगर उसके बाद भी बहुत अच्छे से समझाते हैं और सब बात ऐसे दिमाग में फीड हो जाती है तो ऐसा लगता है कि बस आप बोलते रहें, मैं सुनती रहूं और जाए ना। तो ठीक ना। हमारा एक और ग्रुप है जो 4:30 बजे स्टार्ट होता है शाम को, उसमें आप ज्वाइन हो जाएगा। जी मैम, मैं उसमें भी आती हूँ, उसमें भी आपको सुनती हूँ। तो मैं क्या करूँ, अब बताइए। बस 2 सेशन तो बस काफी है ना, मेरे को भी परिवार में रहना है। जी, है ना? तो मेरे साथ कनेक्ट। थैंक यू राखी जी। और कोई फर्स्ट टाइम किया हो किसी ने मेडिटेशन, हम बहुत उत्सुक रहते हैं कि आपको कैसा फील हुआ। कांता जी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मैं और अपने मन से भी करूँ क्या किसी टाइम? हाँ, आपको म्यूजिक का सहारे की जरूरत नहीं है। अगर म्यूजिक के साथ बैठेंगे तो 3 times मोर एनर्जी। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं अकेले शांत बैठूं, सॉरी, तो रात को जब आप सो रहे हैं तभी भी आप अपने हाथों पे ऐसे क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके पलंग में, चेयर में, सोफा में, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो, आराम से बैठ के बस सांसों को देखते जाइए। कांता जी, ये मिरेकल है। बस आप जितना करेंगी उतनी आपकी लाइफ में और आपकी बॉडी में मिरेकल घटना शुरू हो जाएगा। बहुत चाहती थी मैं ऐसा सीखना, बहुत चाहती थी, लेकिन मैं आज तक सीख नहीं पाई। तो आज से ही आप शुरू कर लीजिएगा। आप हमारे ग्रुप में नहीं है अभी, जिन्होंने आपको नंबर डाला है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल जोड़ देंगे हम आपको, आप उसको मुझे ऐड कर दीजिए। हाँ, हाँ, फिर उसमें क्या, हम आज फिर से कुछ एक म्यूजिक उसमें भेजेंगे, तो रात को या कल सुबेरे दोपहर को जब भी आपके पास टाइम है आप बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करिए। और देखिए 80% हमने बाहर फेंक रहे हैं, तो टीवी तो बिल्कुल मत देखिए, टीवी जहर है ना। और फोन कॉल्स को भी रख दीजिए, बातें भी करना व्यर्थ है, बता रहे हैं। सोचिए भी मत, जो होना है होगा, क्यों सोचना है इतना।
मैं तो बहुत प्रभावित हुई हूँ ये सुन सुन के, इतना हम फालतू बातें करते थे। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी जब तक के ध्यान में नहीं आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड का घर से बाहर निकलना और मेरा मोबाइल को उठना, नॉनस्टॉप हम बात करते थे, और हाँ, यदि हाँ। फोन बंद हुई तो 11 से 12 घंटे नीता भुजवानी टीवी देखती थी। तभी तो नर्व कंप्रेशन हो गया था, क्योंकि मूवमेंट नहीं था मेरी बॉडी में। 11-12 घंटे टीवी देखना और फोन में बातें करना। तो जैसे हमको मेडिटेशन का ये अमृत मिला और हमको रस आने लग गया, उसके बाद से अब न हम टीवी देखते हैं न फालतू में फोन में बातें करते हैं, हमारा पूरा टाइम इसी में ही जाता है। मुझे आपका वो अनुभव जानना है जो आपको महसूस हुआ ब्रह्मरंत्र खुलने से। किसी दिन सुनाऊंगी आपको, है ना? किसी दिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू कांता जी, कंटिन्यू करिए, और रात को तक के म्यूजिक नहीं भी मिले तब भी आप बैठ जाइएगा, है ना? जी जी जी। हाँ हाँ गीतिका जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ गीतिका जी, लव यू। आज का मेडिटेशन इतना अच्छा था, मतलब आज बहुत टाइम बाद आज मेरी बॉडी में ना जो वाइब्रेशन हम ग्रुप मेडिटेशन में करते थे, मैं लास्ट 3.5 मंथ से मेडिटेशन कर रही हूँ, आपके साथ ही जुड़ी हूँ, और आज के जो मेडिटेशन था ना, कल भी मैंने मेडिटेशन का सेशन आपका अटेंड किया, पर वो चीज मुझे नहीं थी जो आज मुझे मेरी पूरी बॉडी ना वाइब्रेट हो रही थी। नीता मैम, जब बॉडी वाइब्रेट होती है तो हमारा शरीर हमको हैवी लगता है या लाइट लगता है? नहीं, वाइब्रेशन के टाइम में तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बस ऐसे लगेगा कि कुछ कंपन हो रहा है ना। हाँ हाँ, लेकिन आज मुझे ना हाँ बोलो। नहीं आप बोलिए मैम, आप बोलिए आप बोलिए। देखिए वाइब्रेशन के समय तो हमको लगेगा कि बहुत सी चीजें हैवी कुछ पड़ रही है हमारे ऊपर, है ना? जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब बहुत हाई एनर्जीज आती है तो मुझे तो लगता है कि जैसे कोई मुझे कुर्सी के अंदर धसा दे रहा है, मतलब मैं अंदर चली जा रही हूँ। सेम। हाँ सेम मैम। हाँ तो होता है, जैसे जैसे हार्ट हैवी लग रहा था। हाँ आ रही है बहुत एनर्जी आ रही है, और धीरे धीरे जब वो सैलाब के ऊपर सैलाब के तरीके से गिरेगा ना, तो कई बार तो आपको मेडिटेशन तोड़ना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि उस समय लगता है नहीं तो पूरे न्यूरॉन्स फट जाएंगे, ऐसा लगता है, इतनी हैवी एनर्जीज गिरती है। तो ये सब अच्छे साइन है यार। और मतलब ना माइंड में कभी मिडिल सेक्शन में ऐसा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, मतलब अजीब नहीं लगता, उस मिडिल सेक्शन में बड़ा अच्छा फील होगा, कभी लेफ्ट साइड पे, कभी राइट साइड पे, कभी पूरे सिर पे, जो एकदम ऑरा ना अजीब सी हो जाती है मैम, वो एक अच्छी फीलिंग है, वो मतलब वरी नहीं होती उसमें। बट आज जो था ना, बॉडी वाइब्रेट हो गीतिका जी, आपका नेटवर्क का कुछ है इशू? गीतिका चलिए। हाँ प्रिया जी। हेलो मैम, मैं इतने सारे एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मेरा शायद एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट है, शायद फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करा इसीलिए, क्योंकि मैंने इमेजिन किया था कि मैं एकदम वो साधु की तरह बैठ के वैसे कर रही होंगी मेडिटेशन, जैसे आपने पोज बताया, बट मैंने स्टार्ट वैसे ही किया, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे को पाँव नीचे रखने का मन किया, एंड आंखें बंद थी, थॉट्स नहीं थी, लेकिन बहुत एकदम से रिलैक्सेशन आया बॉडी में, लूज सी हो गई बॉडी, और इचिंग कहीं कहीं फील हुआ हेड में, यहाँ पे पीछे पेन अभी भी थोड़ा फील हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था स्वभाव, बट आज भी अभी फील हुआ जैसे कि कोई चोट लगी हो। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा, और कभी नीम जैसा उबासियां आ रही थी, बट अच्छा लग रहा था बहुत, फिर भी आंखें बंद थी, अच्छा लग रहा था, थॉट्स नहीं थी, बट ये सब हो रहा था। मैं एक पोजिशन में हाथ मेरे बंद थे, पर मेरे तो हलचल काफी थी, ऐसा था। क्या है कि हम कभी कॉन्शियसली ऐसे बैठे नहीं है ना, या तो हम बिस्तर पे लेट जाते हैं, या
ऑफिस में भी आप बैठेंगे या घर में भी बैठेंगे आंख बंद करके, तो आप थॉट्स में रस लेते ना कि अच्छा मुझे ऑफिस में ये काम करना है, मुझे ये करना है, अभी ये करना है। हम इतने इन्वॉल्व रहते हैं अपने थॉट्स में कि हमको अपनी बॉडी में क्या हलचल हो रही है मालूम नहीं चलता। आज आप कॉन्शियसली अपने साथ बैठ रही हैं तो आपकी बॉडी की अभी बहुत सी हलचलें आपको दिखने लगेंगी, बहुत सी। ये तो अभी आप टीचिंग वगैरह बोल रही है ना, इसके बाद तो बहुत सी चीजें हुएंगी आपके साथ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आपको बीच बीच में उबासी टाइप की, नींद की, ये सब चीजें हुएंगी। पर जैसे जैसे आपकी मेडिटेशन बढ़ते जाएगा, आपकी एनर्जी बढ़ते जाएगी, ये सब चीजें डिसअपियर हो जाएंगे। और रात के टाइम में अभी जब सोओगे बेटा तुम, तब फिर से अपनी एज, मेरे ख्याल से तुम्हारी एज ज्यादा भी नहीं है, तो आधा पौन घंटा तो दे सकते हो अपने आप को फिर से बेड पर ही। Sure. और बेड पे ले बैठे बैठे आप मेडिटेशन करिए, और मैं तो सभी को सजेस्ट करूंगी कि बिस्तर पे बैठे बैठे करिए मेडिटेशन, और बिना आंख खोले सीधा उसी पोजीशन में लेट जाइए और सो जाइए। तो उसकी जो क्वालिटी रहेगी नींद की, उसमें जो हीलिंग होगा वो बाकी नींद की कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो वो करिए आप, और प्रिया जी आपको थोड़े दिनों के बाद ये कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा, इससे बेहतर होंगे, है ना। इमेजिन कुछ और किया था, बट आज हुआ कुछ और। हाँ, तो अपन कहाँ पहले कभी करे थोड़े ही है जो अपन एकदम सप्तऋषि लोग के समान बैठ जाएंगे बिल्कुल, है ना। थोड़ा तो अपने माइंड को भी कंडीशनिंग करना पड़ेगा, और एक बार माइंड कंडीशनिंग हो गया तो फिर देखिए, जैसे अभी मैं बैठूंगी तो मुझे अपने माइंड को बताना नहीं पड़ता है, सिर्फ 5 to 7 minutes मेरा माइंड खुद ही सोच लेगा कि अब नीता बैठी मेडिटेशन में, अब मुझे हट जाना है, वो हट जाएगा। 5 to 7 minutes लगेगा मेरे माइंड को हटने में, और कभी कभी तो 3 minutes। तो ये कंडीशनिंग ऑफ माइंड है। मैं रात को करूंगी, मैं आपके साथ कल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अपना। थैंक यू प्रिया जी। और करिए, आपकी मम्मी बहुत अच्छी मेडिटेटर है, आप भी बिल्कुल जुट जाइए। मैं मम्मी को बहुत थैंक यू कर रही हूँ कि मम्मी ने मुझे ये सेशन का लिंक भेजा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप बहुत ही अच्छे ट्रेनर बोलो या मेडिटेशन स्पेशलिस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। आज बहुत बात करी है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए। Okay. इसीलिए मैंने कहा नहीं, आज तो मुझे प्रिया से बात करना ही है। आज शायद मम्मी ज्वाइन नहीं कर पाए, बट मैं मम्मी को डेफिनेटली बताऊंगी, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू आंटी। थैंक यू। हाँ मनीषा जी, आप इतने आराम से बैठी हैं, मैं कब से आपको अनम्यूट होने के लिए कह रही हूँ। हाँ बोलिए। सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना। मैम हेलो, मेरा ना 10th class पहले का छूट गया था ना, मैं बाद में ज्वाइन हुई थी। हाँ, तो मैं बोली चलो स्टार्टिंग का है, एक बार से वापस से देख लेती हूँ। और एक अच्छी चीज ये है ना, मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी कर रही है कल से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, 17 साल की है वो, पर वो बोल रही थी, बोले एकदम जीरो हो गया। आज बता रही थी मेरे को, मैं बोली मैम को बता, अभी तो पढ़ने चली गई वो, क्लास रहता उसको। तो बोली मैं कल शेयर करूंगी मैम के साथ, बोली थोड़ा बैक पेन हो रहा है मेरे को। हाँ, तो बोली मम्मी लगता है 3-4 दिन करूंगी तो चला जाएगा वो। बिल्कुल, और देखो उसकी पढ़ाई कितनी अच्छी हो जाएगी। मनीषा जी आप बताइए। हाँ, मैं रोज बोलती थी उसको आ जा। अभी बस उसको लगा 20 मिनट्स का है ना, तब तो मैं बैठ ही जाऊंगी। तो आज बोल रही थी मम्मी ऐसे लगा 5 मिनट में खत्म हो गया, 20 मिनट कहाँ था, ये तो 5 मिनट में खत्म हो गया। चलिए अच्छी बात है। तो मनीषा जी आप जब करती है ना सवेरे, तो उसको अपने साथ बैठा लिया करिए, है ना। जब पुराने मेडिटेटर लोग के साथ नए लोग बैठते हैं तो जल्दी एनर्जी अपलिफ्ट होती है, है ना मनीषा जी। थैंक यू। जल्दी आती हूं। हाँ गुप्ता जी, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मनीषा, आप बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं। पर फिर भी तो आपने नहीं देखा स्पिरिचुअल रियलिटी ना, कल रात को मेडिटेशन किया, समझाने का क्या मतलब है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, लेकिन आज मेरे ना सर में दर्द बहुत हुआ। बिल्कुल अच्छी चीज है, बहुत अच्छा बात है, बधाई हो आपको। मतलब ऐसा लगा कि मैं बीच में आंखें खोल दूं, इतना तेज दर्द हुआ मुझे। हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर दर्द हुआ तो बस आंखें नहीं खोलना है ना, इट्स अ गुड साइन ऑफ हेडेक। 11 दिन हो गए हैं,
मैंने अपने अंदर एक चीज देखी कि मुझे जो गुस्सा आता था, इरिटेशन होती थी, अब वो लोगों से नहीं होती. मुझे लगता है मैं उनसे प्यार से ही बात करूं. देखिए, दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, है ना. हम इतने चतुर लोग हैं, बुरा मत मानिएगा गुप्ता जी, मैं आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ. हम इंसान लोग इतने चतुर होते हैं कि अपने को बड़ा ना मास्किंग कर लेते हैं कि अरे बाबा, मैं तो मेडिटेटर बन गई हूं, मुझे तो गुस्सा आएगा नहीं, मुझे तो सबको प्यार करना है. ये होता है सप्रेशन, ठीक है. एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन आपके इनसाइड, आपके इनर से, जब आपको कोई भी चीज दबानी नहीं पड़ेगी, आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा. जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि पहले मेरी बेटी, जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया था और ये आई थी बैंगलोर से रहने के लिए, तो हम लोग अब जैसे इन कंजर्वेटिव लोग हैं, अपनी बेटी को रात के 9 बजे नहीं जाने देना है बाहर पार्टीज वगैरह में, और रायपुर में काफ़ी पार्टीज वगैरह का फैशन है, और कपड़े भी यहाँ तक के पहनने हैं तुमको घुटने तक, जो भी हम रेस्ट्रिक्शन करते थे, क्योंकि हम अभी भी बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं. तो वो रोज रूम में आके कुछ ना कुछ बात पे ना मुझे बड़ा जोर जोर से चिल्ला देती थी, और मैं, मेरी बेटी होके मुझे चिल्ला रही है, मेडिटेशन के पहले की बात बता रही, उससे 10 गुनी आवाज है, मैं उसको चिल्लाती थी, और दोनों की जोरदार लड़ाई होती थी, 3-4 दिन बात नहीं करते थे. पर जैसे जैसे मेरा मेडिटेशन गहरा होते गया, वो रूम में आती थी, फिर कोई भी बात पे, चाहे खर्च की बात पे हो, चाहे पार्टीज की बात, पूरे टाइम मम्मा ऐसा 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 ऐसा, वो ब्ला 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 करके इतना चिल्ला के चली जाती थी, और मैं उसको देख के स्माइल करते रहती थी, और जैसे ही वो जाती थी मैं अपना आईपैड लिख के लेके लिखने लग जाती थी. मेरे हस्बैंड को बड़ा गुस्सा आता था कि कैसे वो इतना तुमको बोल के चली गई. मैंने कहा छोड़ो ना, क्या है, बेचारी का अंदर में कचरा जमा है, कहीं तो बेचारी फेंकेगी, तो मेरे रूम में आके फेंक दी, मैंने उठाया नहीं, पड़ा है साइड में, थोड़ी देर में डिसॉल्व हो जाएगा, मैं अपने काम में बिजी. ये होता है अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन. पहले मैं छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होती थी, फिर धीरे धीरे कम होने लग गया. अब ये आपका जो गुस्सा 11 दिन के अंदर कम हुआ है, वो वाकई ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, है ना. मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको 6 महीना ही लगेगा ट्रांसफॉर्म होने में. कई लोग बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और कई लोग 6 साल में भी ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं. ये हर आदमी के अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है. तो अगर आपका गुस्सा कम हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, पर पूरे टाइम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते रहना, और मेडिटेशन और ज्यादा बढ़ाते जाओ. मेरे ख्याल से तुम्हारे बच्चे छोटे हैं ना. छोटे हैं, मैं बच्चों को भी करा रही हूँ प्रज्ञा मैम के पास. हाँ, और क्या होगा, आप जब ट्रांसफॉर्म होने लग जाएंगी ना, आपके बच्चों की हेल्थ और उनकी पढ़ाई आप देख के दंग रह जाएंगे, क्योंकि आपकी एक एक वाइब्रेशन वो पी रहे हैं, एक एक वाइब्रेशन, चाहे वो दूसरे रूम में सो रहे हों, है ना. तो आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा, और बच्चों को भी कराइए आप. नहीं कर रहे हैं बच्चे. और बहुत अच्छी बात है अगर आपका गुस्सा, तो छोटे 5 और 10 ईयर के हैं, बट कर रहे हैं. मैंने ये कहानी इसलिए बताई कि आप लोग अपने से उम्मीद मत करिएगा कि 11 दिन में आपको गुस्सा नहीं आएगा. अगर गुप्ता जी ने का गुस्सा शांत हुआ है तो वो उनका अचीवमेंट है, है ना. तो उम्मीदें कम करिए, मेहनत ज्यादा करिए. ऐसा है ना. थैंक यू गुप्ता जी. और आज वीडियो देखिएगा आप, स्पिरिचुअल रियलिटी. हाँ जोशी जी. हाँ मैम, गुड इवनिंग. आज मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा. थोड़ा थोड़ा ऐसे सिर में दर्द रहने लगा था जब मेडिटेशन में बैठा, तब स्टार्ट हुआ. तो आगे की ओर यस्टरडे की जैसे आज भी आगे की ओर झुकता रहा था. तो जब कॉन्शियस होता था तब वापस सीधा हो जाता था. लेकिन एक बात और हो रही थी मैडम कि वो गल भी मैंने बोला था, वो स्लीपी फील हो रहा है. तो वो मुझे आज लगा कि दिन भर की थकान की वजह से हो रहा है या क्या, कुछ समझ नहीं. लेकिन आज एक जो हुआ कि टाइम बहुत कम लगा, मनी 2-3-5 मिनट में सब खत्म हो गया. ये इतना जल्दी क्यों मैडम ने कर दिया, ऐसा कुछ फील हो रहा था. अच्छा. तो टाइम का पता ही नहीं चला. देखिए तो कल मैंने नॉर्मल बात है क्या. हाँ बिल्कुल,
क्या है कि जिसमें हमको बहुत मजा आता है ना, उसका टाइम हमको कम लगता है। जब अच्छे फ्रेंड्स आपके पास आके बैठते हैं तो 2 घंटा बात कर लीजिए, आपको लगेगा अरे यार तुम अभी तो आए थे, तुम जा रहे हो, जबकि 2 घंटा बीत जाते हैं। और यदि कोई मुसीबत आके पड़ी हो या किसी की हमारे नियर एंड डियर की बिस्तर पे बैठे हो, मतलब बेड रिडन हो, उनके पास 1 रात बिता लीजिए, वो रात ही नहीं कटती है। हाँ जी, हाँ जी, है ना, सही बात है। तो हाँ जी, टाइम सिर्फ घड़ी में नहीं होता है, हमारे यहाँ पे होता है। तो आपको आज आनंद हाँ आया, आनंद आया तो आपको लगा टाइम बहुत कम है, है ना। और रही बात नींद आने की, तो ये मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस है, आपके पास मिनिमम एनर्जी कम है जितनी रहनी चाहिए, पर घबराना नहीं है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा बैठना है। और आपने जो फिजिकल वर्क का बोला, ये भी देखा गया है कि जो बहुत शारीरिक श्रम करते हैं ना, काम करते हैं बहुत, वो जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं मन उनको सीधा सोने के लिए ले जाता है, क्योंकि उस समय आपके बॉडी को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, नींद की, है ना। तो वो सीधा आपका माइंड आपको नींद में ले जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद आपका ये सेशन चालू हो तब बैठिए। और जैसे मान लो कभी कभी यहाँ पे ध्यान नहीं भी लगा तो कोई मत घबराइएगा, आपके पास पूरी रात पड़ी है सर, कल सुबह पूरा पड़ा है। जब भी आपको टाइम मिलता है, चाहे ऑफिस में, चाहे ट्रैवल के टाइम में, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड कभी भी ट्रैवलिंग में बात नहीं करते हैं, हम लोग दोनों मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। तो जैसे आप बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो आप मेडिटेशन कर लीजिए उस समय भी, तो आपकी एनर्जी भी गेन होते जाएगी, एनर्जेटिक भी आप होते जाएंगे और नींद आने की संभावना कम होते चली जाएगी। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत मजा आया। चलिए, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, और किसी के पास नहीं है क्वेश्चन? हाँ जोशी जी, अभी तो बात किया ना आपने। हाँ, 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 मैं पूछना भूल गया था, सॉरी। हाँ हाँ, पूछिए। तो ऐसे ऐसे खाने में कुछ परहेज करना है क्या? देखिए, हम तो आप सभी लोगों को सजेस्ट करेंगे कि नॉनवेज मत खाइए, है ना। खाते हैं आप सर? नहीं, मैं आई एम अ प्रीस्ट, सो आई एम प्योर, नहीं, आई एम अ प्रीस्ट, आई एम प्योर वेजिटेरियन। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं पंडित हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। पर ये है कि जैसे रात के टाइम में आप वैसे भी हैवी मत खाएं तो ज्यादा अच्छा है, और खा रहे हैं हैवी भी तो 1 घंटे का तो गैप रखिए आप, है ना। जैसे मैंने कल कहा, नहीं तो तुरंत नींद आ जाती है। अब खाना खाया आप 9:15 बजे और तुरंत आप बैठ गए यहाँ पर सेशन में, तो जो मैं बोलूंगी वो भी आपको कम सुनाई देगा, है ना। उस समय अपन क्या कहते हैं उसको, ऊंघना कहते हैं ना, वो हो जाता है। तो आप सुनेंगे भी नहीं ध्यान से, और मेडिटेशन में बैठते साथ ही आपको नींद आने लग जाएगी। तो रात को जब मेडिटेशन का सेशन चल रहा है तो थोड़ा हैवी कम खाइए और गैप रखिए टाइम का, बाकी आपको जो खाना खाइए, है ना। थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू। और किसी को? कल से मुझे बहुत लोगों ने अपने रिलेटिव्स के नंबर ऐड कराए हैं इस ग्रुप में, मुझे तो वो आज नजर नहीं आए। 100 के अबव चले गए हैं हमारे ग्रुप में। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी गलती है कि आपने उन लोगों के नंबर ऐड कराए, पर जब तक के सामने वाला तैयार नहीं हो, सामने वाला इंटरेस्ट ना ले, उनका नंबर बेजबरन के ग्रुप में मत जुड़वाइए। ये ग्रुप उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं, है ना। तो ठीक है, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो देख लेंगे, शायद उनको बाद में समझ में आए कि वो क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, वो जो भी है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो अब हम देखिए कि आपका पैटर्न कौन सा है, आप दिन भर में मैक्सिमम कौन से पैटर्न से काम करते हैं। क्योंकि जब तक कि आप अपने पैटर्न को नहीं पहचानेंगे, तब तक के उस पैटर्न को तोड़ने के लिए काम कैसे करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना शुरू करिए,
और रात को और आपको टाइम मिले तो जरूर से मेडिटेशन करिए. तो थैंक यू थैंक यू.